बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा सर्विंग फाउंडेशन की जानिब से मैं हूं आपकी दोस्त नाज सिद्दीकी। आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूं वो है रियाज पेशेंट का, जो कि लांडी में रहते हैं और बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते हैं। चार बच्चे हैं, उनकी मंथली इनकम 10,000 के करीब है। उन्होंने एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी दिन पहले ही विज़िट करा था, ऑर्थोपेडिक की ओपीडी में भी दिखाया था डॉक्टर सतीश पाल को। डॉक्टर सतीश पाल ने उनकी सर्जरी बोली है और एक्सपेंस उनको 45,000 का बताया था, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ना उम्मीद हो गए थे। फिर उन्होंने अपने घर के करीब ही छोटे मोटे जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया अपना। कंडीशन काफ़ी पैर की ख़राब थी, जो कि आज हमने देखी है, एक्सरे भी करा है, तो सर्जरी की फ़ौरन ही उनको ज़रूरत है। आज मैंने उनको अपने हॉस्पिटल बुलाया, उनसे उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके केस डिटेल्स सब कुछ लेने के बाद डॉक्टर सतीश पाल से मैंने उनका केस डिस्कस करा। सर ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया हमें, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी की फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी गई है, और मेडिसिन के हवाले से और ऑपरेशन थिएटर के हवाले से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, फार्मासिस्ट की तरफ से भी और ओटी इंचार्ज की तरफ से भी। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो कि मुझे देख रही है ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीक थर्सडे तक इनकी सर्जरी करवा सकें। शुक्रिया। सर्विंग फाउंडेशन की जानिब से मैं हूँ मंसूर कादरी, और हमारे जो मेडिकल के शुबे के ज़िम्मेदार हैं जमील इसाक साहब, वो भी हाज़िर हैं। परसों वेनसडे के दिन हमारे भाई ने चेकअप करवाया था ऑर्थोपेडिक के हवाले से डॉक्टर को, तो उन्होंने काफ़ी तकरीबन 50,000 रुपीज़ फ़ीस बताई थी, और जो भी हुआ क्या हुआ वो हमारे जमील भाई आपको डिटेल से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे रियाज भाई हैं, जो एक अपने एंकल की जो हड्डी थी वो उनकी मेरे ख्याल से गलत जुड़ी थी, किसी पहलवान के पास से इन्होंने जुड़वाई थी, ये गिरे थे जीने से नीचे, और फिर चेकअप के बाद डॉक्टर ने इनको बताया था कि इसमें 45,000 रुपीज़ लगेंगे, और उसमें इनका मेडिकल भी होगा और टेस्ट वगैरह होंगे, उसके अलावा मेडिसन सब कुछ उनको उसी में दिया जाएगा, लेकिन ये शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इनकी हम थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसके बारे में मैंने मंसूर साहब से बात की, तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, तो आज हम इनके पास आए हैं इनसे पूछने के लिए कि इनको क्या क्या नीड है। और अच्छा रियाज भाई, ये कब हुआ था ये आपके साथ वाकया? मेरे को भाई ढाई महीने। अच्छा, ढाई महीने हो गए आपको। तो फाइनेंशियली कोई हेल्प करता है आपकी, कि मंथली आपको कुछ पेमेंट वगैरह कोई देता है, पैसे वगैरह हेल्प के तौर पर? नहीं नहीं, कोई भी नहीं देता। तो आप अकेले ही हैं घर में, काम वगैरह आप अकेले ही करते हैं? जी जी। तो अभी कब से फारिग हैं आप? मेरे को कम से कम 2-2.5 महीने तो होगा। अच्छा, 2-2.5 महीने से कोई काम वगैरह नहीं? नहीं, हेल्प भी कोई नहीं कर रहा, गुजारा अल्लाह पाक करा रहा है। अल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चे वगैरह आपके कितने हैं? चार बच्चे हैं मेरे। चार बच्चे हैं आपके। HSF का बहुत बड़ा कारनामा ये था कि हमारे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब जमील भाई का और मिस नास का, जिन्होंने दोनों ने डॉक्टर से मीटिंग की और पूरा केस रियाज भाई का उनके सामने रखा, और उन्होंने अपनी फ़ीस जो है वो बिल्कुल माफ़ कर दी, और डोनेशन के तौर पर PWF ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। 5,000 रुपीज़ PWF वाले रियाज भाई को दे रहे हैं। अल्लाह पाक इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। एडमिट हो गए, इंशाल्लाह उसके बाद ऑपरेशन होगा। आप सबसे तावुन की अपील है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जाहिर बात है 3 महीने का डॉक्टर इनको बेड रेस्ट देगा। 3 महीने जाहिर बात है ये घर पे रहेंगे, ये अकेले ही हैं, और कम से कम इनके 2-3 बच्चे हैं जो ये आप घर देख रहे हैं इनका। अगर कोई राशन दे सकता है तो प्लीज़ मैं इनका नंबर, इनका नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे ज़रिए इन तक पहुंचाना चाहे सो प्लीज़, मैं भी अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कम अज़ कम इनके ऑपरेशन में 20,000 से 25,000 रुपये खर्चा है, तो आप लोग भी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर तावुन करें इस ऑपरेशन में, ताकि इनका ऑपरेशन थर्सडे को हम लोग जल्द से जल्द करवा सकें। ये डॉक्टर का बहुत शुक्रिया कि उसने 20,000 रुपये अपनी फ़ीस के बिल्कुल कम कर दिए। अल्लाह पाक उसका अजर उनको देगा, और आप लोग भी तावुन करें राशन के हवाले से।
ताबुन करें, ऑपरेशन के हवाले से ताबुन करें। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं हमारे पास। हालांकि हमें 2 महीने हुए हमने केस हमने फाउंडेशन को ओपन किया हुआ है, लेकिन हमारे पास इतने कॉलें घरों में बैठे हुए हैं, भूख काट रहे हैं, लेकिन वो भीख नहीं मांग सकते। अल्लाह पाक हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम उनके काम आए। हमारी HSF के साथ ताबुन करें। अल्लाह पाक आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।